हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइल्ड किचन। आज मैं आपको वापस से एक मटन में रेसिपी बताऊंगी जिसका नाम है मलाई कबाब। आप मलाई कबाब को गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी थोड़ी हार्ड है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मलाई कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मलाई कबाब बनाने के लिए मैंने इधर लिया हुआ है मटन जो कि है बोनलेस, और इसको मैंने थिन और ब्रॉड पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं थिन, बहुत ही थिन और ब्रॉड पीस में मैंने उसको कट किया हुआ है। उसी तरह से सारे पीस कट किए हुए हैं। और मैंने लिया हुआ है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले। इधर मैंने लिया हुआ है अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट, और एक लेमन है। मेरा जो मटन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो जितना है, तो उसके लिए मैंने इतने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो इसमें मैं पहले ऐड कर रही हूँ नमक। और मैं 1 टीस्पून जितना अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं एक पूरा लेमन ऐड कर रही हूँ। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको एयरटाइट बॉक्स में 7 to 8 hours तक रख दूंगी। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे ओवरनाइट एयरटाइट बॉक्स में पैक करके रख दूंगी। पहले 3 to 4 hours मैं बाहर रखूंगी और उसके बाद फ्रीज में मैं उसको रख दूंगी। आप 7 to 8 hours मिनिमम रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट रखो तो वो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। मटन को मैंने ओवरनाइट रख दिया था। इसमें जैसे कि हमने सॉल्ट और लेमन ऐड किया था, उसकी वजह से इसमें से पानी निकलेगा, तो पूरा पानी आपको निकाल देना है। और अब मैंने इधर लिया हुआ है जिंजर। जिंजर को मैंने चॉप कर लिया है, 1 bowl जितना है ये। इधर मैंने ली हुई है ग्रीन चिलीज, इसको भी मैंने चॉप किया है। और इधर है थोड़ा सा गार्लिक, ये है बादाम, और ये है थोड़ा सा धनिया यानी कि कोरिएंडर। और इधर मैंने लिया है कोकोनट क्रश किया हुआ, आप देख सकते हैं। तो अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स की पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से मैंने ये पेस्ट रेडी की हुई है। अब हम इसको मटन में मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स
कर लेना है। तो ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं एक स्टिक लेके उसमें 3-3 पीसेस डाल रही हूँ। और इसी तरह से हमें सारे पीसेस की स्टिक रेडी करनी है। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट जितने स्टिक्स रेडी की हुई है। अब इस स्टिक्स को हम ब्रेड क्रम्स और रवे में डिप करेंगे। मैंने इधर रवा लिया हुआ है और इधर है मेरे ब्रेड क्रम्स, दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इधर से मैं एक स्टिक लेके इस तरह से इसमें डिप कर रही हूँ। कम कम हम इस ये लगाएंगे क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो इस पे लेयर हो जाएगा जो टेस्ट में नहीं अच्छा लगेगा। अब हम स्टिक्स को एग में डिप कर करके डीप फ्राई करना है। इस तरह से बाकी सारे स्टिक्स भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करना है। तो जब तक कि एक साइड पे हम फ्राई कर रहे हैं, मीन वाइल हम टमेटोज को बॉईल करने के लिए रख देंगे। इधर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 800 ग्राम्स टमेटोज लिए हैं, उसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इधर मैंने लिया हुआ है थोड़ी सी इमली और 1 ग्लास पानी में उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। ये टमेटोज बॉईल हो गए हैं तो अब हम उसकी प्यूरी निकालेंगे। अच्छे से उसको मैश कर लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से उसकी प्यूरी निकालनी है। आप टमेटोज को मिक्सचर में भी मिक्स कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसका टेस्ट और बॉईल करने के से टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। बॉईल करके अगर हम उसका प्योरी निकालते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मिक्सचर में जैसे कि उसके सीड्स होते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो ये टमेटो की प्योरी रेडी है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 2 ग्लास जितना वाटर ऐड किया है। अब मैं इसमें सारे ये मसाले ऐड करूँगी। इधर मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून जितनी रेड चिली पाउडर, और इधर है गरम मसाला जो है 1 टेबल स्पून, नमक जो कि है स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा रेड फूड कलर। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पहले मिक्स करेंगे अच्छे से।
अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्योरी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसको पूरे में डालना है ताकि उसमें से गांठ ना रहे, यानी कि लम्स ना रहे। तो अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। अब ये जो मसाला था मटन का वो बाकी रहा होगा, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये वेस्ट ना हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और साथ ही साथ हमारी जो कबाब थी वो भी डीप फ्राई होकर रेडी हो गई है। इधर मैंने सारे कबाब को फ्राई करके रखा है, आप देख सकते हैं एक बड़े से वेसल में। और अब हम मैं इसमें टमेटो की प्योरीज ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें तेल को गरम करके डाल रही हूँ और अब हम इसको तवे पे पकने के लिए रख देंगे। पहले फुल फ्लेम पे, अगर जब तक इसमें उबाल नहीं आती तब तक उसे फुल फ्लेम पे रखें और फिर स्लो फ्लेम पे उसे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तक कुक होने दें अच्छे से, और बीच बीच में हल्के हाथों से हिलाए रहे। तो ये कुक हो गई है लेकिन साइड में से थोड़ा थोड़ा पानी है, आप देख सकते हैं, तो वो पानी नहीं होना चाहिए। तो उसको 10 मिनट तक और हिलाते रहेंगे हम। तो देखिए अब अच्छे से जो पानी है वो सूख गया है। अब मैं इसमें ऊपर से कोरिएंडर डाल रही हूँ, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। और आप इसको अब सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर से प्याज और लेमन डाल के आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।